तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्निकल दिव्यांग चैनल पर। दोस्तों आपको पता होगा कि हुआवे ने जिस तरह से EMUI 9.0 और 9.1 की अपडेट रिलीज करी थी और उसमें क्या कुछ फीचर्स आपको दोनों में देखने को मिले थे, क्या कुछ डिफरेंसेस मिले थे, ये तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर EMUI 10 यानी एंड्रॉयड 10 के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से हुआवे ऑनर ने EMUI 10.1 की अपडेट रिलीज़ कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 26 मार्च को हुआवे P40 सीरीज़ के साथ इस EMUI 10.1 को रिलीज़ किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ फीचर्स आपको EMUI 10 से ज़्यादा मिलने वाली है EMUI 10.1 में। हालांकि ये जो बेस्ड है वो एंड्रॉयड 10 पे ही बेस्ड है, एंड्रॉयड 11 जो है EMUI 11 के साथ आएगी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे आपको 9.1 और 9.0 में अपडेट मिलती थी थोड़ी बहुत अपग्रेडेड फीचर्स, वही फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो पूरी फीचर्स आपको आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से फ़ोन में फिलहाल ये अपडेट दी जाने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले घंटी को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ है EMUI 10.1 की फीचर्स और कौन कौन से फोन में ये कब तक मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि EMUI 10.1 जो है EMUI 10 का अपग्रेडेड वर्जन है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे मेजर चेंजेज यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको जो है लाजवाब मिलने वाला है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चेंजेज यहाँ पर कि बैटरी परफॉर्मेंस जो है अब आपको बेहतरीन मिलने वाली है। यानी पहले के अपेक्षा जो है बैटरी की कोई इशू नहीं रहेगी अगर आपको मिल जाती है EMUI 10.1 की तो, और GPU टर्बो भी परफेक्टली वर्क करता है। तो दोस्तों यहां पर हम आपको कुछ फीचर्स के बारे में इससे पहले की बताएं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो EMUI 10.1 के अपडेट है वो फिलहाल उन्हीं फोन्स को दिए जाएंगे जिस फोन्स की डिस्प्ले जो है सुपर अमोल्ड हो या फिर ओलेड डिस्प्ले लगी हो, उसी में ये सब चीजें दी जाएंगी। हालांकि बाकी फोन्स में डिले अपडेट्स आएंगे चूँकि जो है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा उस फ़ोन के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले इसके मेन फीचर्स को हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी हुआवे का नया AI वॉइस असिस्टेंट, यानी कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि गूगल का अपना खुद का वॉइस असिस्टेंट है और उसी तरह से एप्पल का है। तो यहाँ पर हुआवे ऑनर ने भी अपना खुद का एक नया वॉइस असिस्टेंट जिसे हम सेलिया के नाम से जानेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगली फीचर्स की यहाँ पर बात करें तो हुआवे मी टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ऑनर में शायद अभी तक ये नहीं आई है। यहीं पर अगर हम बात करें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यानी AOD की, तो AOD पहले की अपेक्षा काफ़ी इम्प्रूव्ड आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो लेटेस्ट AOD की फीचर है उसमें 3D आइकॉन और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि AOD की फीचर्स आपको उसी फ़ोन में मिलती है जिसमें सुपर अमोलेड डिस्प्ले या फिर ओलेड डिस्प्ले हो। यानी कि अगर आपके फ़ोन में सुपर अमोलेड डिस्प्ले नहीं LCD डिस्प्ले है तो वो AOD की फीचर्स आप यहाँ पर रिसीव करने वाले नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें मल्टी विंडो फीचर की, तो एक नई मल्टी विंडो फीचर आपको इस EMUI 10.1 में देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम आपको एक और बात बता देंगे, जैसे सैमसंग में एज पैनल आपको देखने को मिलते थे कि साइड से आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च कर ले स्वाइप करके, तो वो भी फीचर्स अब आपको हुआवे ऑनर के EMUI 10.1 में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रॉस डिवाइस फोटो गैलरी भी दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले जो है ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी, तो EMUI 10.1 में इसको जो है काफ़ी ऑप्टिमाइज किया गया है और तब जाके ये आपको दी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टी डिवाइस कंट्रोल पैनल, तो इसमें भी आपको अब ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ये फीचर पहले भी थी लेकिन इसको एक बार फिर से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, इम्प्रूवमेंट ज़रूर की गई है इसमें और तब जाके इसको लॉन्च किया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें तो हुआवे म्यूज़िक, हुआवे वीडियो और हुआवे न्यूज़ जो कि इसमें स्टॉक ऐप्स की तरह आती है, तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब ये चीज़ें बहुत जल्दी से काम करेगी, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने वाली है। तो ये सब चेंजेज़ हैं इस EMUI 10.1 के। अगर हम बात करें इस अपडेट के फ़ोन तक आने के, तो P40 सीरीज के साथ इस अपडेट को रिलीज़ किया गया है, यानी कि हुआवे के P40 फोन्स में ये अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आने वाले समय में किन किन फोन्स में फिलहाल देखने को मिलेंगे ये हम आपको बता देते हैं। तो 26 मार्च को इस अपडेट को रिलीज़ की गई है, तो अब धीरे धीरे सारे फोन्स में दिए जाएंगे। शुरुआती दौर में अगर हम बात करें एलिजिबल फोन्स की, हुआवे के सारे फोन्स यहाँ पर हुआवे Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 30 सीरीज के सारे फोन्स को मिलने वाले हैं। वहीं पे P30 की बात करें और P30 Pro तो दोनों फोन्स में भी मिलेंगे। Mate X, Mate 20 और Mate 20 सीरीज के सारे फोन्स, चाहे वो 4G या फिर 5G वेरिएंट हो, सब में आपको देखने को मिलेंगे। हुआवे Nova 6, P20, हुआवे P20 Pro,
Huawei Nova 5T, Huawei Nova 5, Huawei Nova 5 Pro, 5i, ये सारे फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेंगे Huawei Y9 Prime 2019 और Huawei P Smart 2019 में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम Honor की बात करें तो Honor के फ़ोन्स में Honor V20, V30 Pro, Honor V30, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20s, यानी Honor 20 सीरीज के सारे फ़ोन्स को मिलेंगे और साथ ही साथ लेटेस्ट Honor के जो X सीरीज के स्मार्टफोन है और 9X और 9X Pro इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ Honor 10 और 20i 20 Lite में देखने को मिलेंगे। अब जो फ़ोन्स आपके पास है उसकी अगर लिस्ट में नाम नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन्स में आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे, चूंकि ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, शुरुआती दौर में इन फ़ोन्स में मिलने वाले हैं, लेकिन बहुत जल्द ही और से डिवाइस को शामिल किया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ चैनल पर, जैसे ही आती है आपकी डिवाइस की कैपेबिलिटी हम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से फ़ोन्स आपने परचेस किए हैं और कौन से फोन आपके पास है Honor के, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड अपडेट आपको दिए जाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई और सवाल मन में है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, थैंक यू।